गाइस मेरा हेयर फॉल 100% रुक गया है, सिर्फ एक ही बार यूज किया है वो ऑयल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिए आई बटन पे क्लिक करके, या फिर जाके चेक कर लीजिए। वो ऑयल बनाइए, कुछ भी मिक्स नहीं करना उसमें, और बस एक बार में ही आपका जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ सेंटर पार्टीशन। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप गंवार की तरह सिंदूर भर भर के लगा लेते हो वगैरह वगैरह। तो गाइस अपना अपना तरीका है कैसे आप अपने लुक को मैनेज करते हो। तो हम लोग के यहाँ सिंदूर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लगाया जाता है, तो इस पर कमेंट ना करें। इस तरीके से आपको हेयर को लेना है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच चोटी जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको भी बनाना है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लेयर मिक्स करना है। आपको ये वाला चोटी क्राउन एरिया तक बनाना है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है और चोटी के साथ मिक्स करते जाना है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको भी। इस तरीके से आप चाहो तो ये वाले हेयर स्टाइल में कोनी बना के छोड़ सकते हो, और चाहो तो बन भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। और चाहो तो आप इसको खुला भी रख सकते हो। इस तरीके से मैंने बना लिया है। उसके बाद आपको लेना है पिन, और यहाँ पे आपको पिन को लगा देना है। तो इसी तरीके से सेम आपको दूसरी साइड भी करना है। थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा थोड़ा हेयर लेके मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। काफी प्यारा लगेगा, ऑफिस गर्ल्स एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा, वेस्टर्न ड्रेस के लिए अच्छा रहेगा ये हेयर स्टाइल। इस तरीके से चोटी को क्राउन एरिया तक बना लेंगे जैसे कि हमने दूसरी साइड बनाया था। अब मैंने इस साइड का बनाया, सेम टू सेम दूसरी साइड बनाना है। बट बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनको बोलते हैं कि मतलब मैम क्यों आप वीडियो बीच में कट कर देते हो, इसीलिए मैंने दोनों साइड का बना के दिखाया है। उसमें उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ फूल करेंगे जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो दिखाई दे। और दूसरा ये लेंगे और दूसरी साइड भी लगा देंगे। ओके, उसके बाद हम सारे बालों को एक साथ लेंगे कॉम करके। जहाँ पे हमने क्लिप लगाया है वहाँ तक इसको कॉम करके लाएंगे। अच्छे से कॉम कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग रबर बैंड। ये वाला लेयर मेरा निकल गया था कॉम वर्क को, इसको मैं कोने के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरीके से रबर को बना देंगे, सॉरी कुछ इस तरीके का लुक आएगा। उसके बाद आप क्लिप्स को पीछे से रिमूव कर सकते हो। तो क्लिप्स को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद जो
लेयर्स निकल रहे हैं उनको आप निकाल सकते हो, और नहीं निकाल रहे हैं तो सेटिंग स्प्रे की मदद से इसको बैक में ही सेट कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे को कभी भी डायरेक्ट अपने बालों के नाम आता है, आपको अपने हाथों पर या फिर कॉम पे इस तरीके से लेना है और इस तरीके से कॉम कर देना है, और जो भी बेबी हेयर्स हैं वो आपके इजीली चिपक जाएंगे। दूसरी साइड से मेरी यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा लूँगी। अब क्या करना है आपको, सिंपली अपने बालों में थोड़ा सा काट लेना है, अगर आपको पोनी बनानी है इस तरीके से डबल बैंड के ऊपर लपेट देंगे और एक यूपिन लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे मेरा हेयर जो है वो निकल रहा है, तो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे और यूपिन के साथ लास्ट पॉइंट तक इस तरीके से यूपिन को लगा देंगे, जिससे हमारा ये भी हेयर होल हो जाएगा और जो हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे थे वो भी निकल गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, नेट अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेडी की इजी हेयर स्टाइल देखने के लिए। और इसके बाद अगर आपको बन बनाना है, पोनी नहीं बनानी है, आपके बाल लेकर थोड़े कम गए या फिर झड़ चुके हैं, तो आप इस तरीके से सिंपली हेयर को ओपन कर लेंगे। आप चाहो तो डोनर बन का यूज कर सकते हो और चाहो तो सिंपली इस बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे या फिर थ्री पार्ट में डिवाइड करके सिंपल चोटी बना लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड तक पूरा चोटी को बना देना है। रबर बैंड को एंड पार्ट पर लगा देंगे और इस तरीके से छोटी को थोड़ा सा लूज कर देंगे। उसके बाद आप यूपिन कट लीजिएगा थोड़ा सा, और इस तरीके से छोटी को सिंपली चारों तरफ से लपेटेंगे और इतने छोटे पतले बालों में क्या खूबसूरत से बंद बना के रेडी कर सकते हैं। और ये वाला हेयर जो हमारा मैनेज नहीं दिख रहा था, ये इसको साथ में ले लेंगे और इनके उसको इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से बंद को रखेंगे और इनके ऊपर इसको सीखे और रख देंगे। काफ़ी प्यारा था, इजी था, आपका बंद बन गया है, रेडी हो जाएगा। ये थे आज के दो बिल्कुल इजी सेल्फ हेयर स्टाइल, जो कि आप पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो और एवरीडे में भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।